नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी SBI में अकाउंट है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना, क्योंकि आज का ये वीडियो आप लोगों की नींद को उड़ाने वाला है। और अभी तक आपकी आंखें बंद हैं तो ये वीडियो आंखें खोलने वाला है। मैंने इस प्रकार से मूर्खताई की है, बेवकूफ़ी की है या फिर गलती किया है जिसका नुकसान मुझे भुगतना पड़ रहा है, ऐसी गलती आप दोबारा ना करो। और दोबारा के आपको करना ही नहीं है। चलिए मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। तो दोस्तों, एक्चुअली हुआ कि जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि कुछ दिन पहले बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि जिसका भी KYC बाकी है वो KYC ईमेल के थ्रू कर सकता है। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, फ्रॉड लोगों के मैसेज आना स्टार्ट हो चुके हैं। आपको टेक्स्ट मैसेज भी आ सकते हैं अपने मोबाइल पर या फिर व्हाट्सअप में भी आ सकते हैं, और ये रेंडमली किसी को भी आ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका SBI में अकाउंट हो, उस पर मोबाइल नंबर रजिस्टर हो, उसी पे आए रेंडमली किसी को भी भेज रहे हैं। और ये जो टेक्स्ट मैसेज है मुझे भी आया था, और बेसिकली इस मैसेज में यही लिखा है कि डियर कस्टमर, योर SBI अकाउंटेड हैज़ बीन सस्पेंडेड फॉर KYC। तो कहने का मतलब है कि आपने KYC नहीं किया, इसकी वजह से आपका जो अकाउंट है सस्पेंड हो गया है। तो आप यहाँ पर इमीडिएटली अपना KYC कंप्लीट कर सकते हो, और वहाँ पर एक लिंक ये लोग देते हैं। और जैसे मैंने अपने मोबाइल में ये वाली लिंक को ओपन किया और मुझे रिडायरेक्ट होके इसने ब्राउज़र में ले गया और वहाँ पर मुझे लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। जिस प्रकार से आपका SBI अकाउंट इंटरनेट बैंकिंग होती है उसी प्रकार से इनका भी था, और वहाँ पर मैंने अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन किया। इसके बाद से क्या होता है कि जेन्युइन जो वेबसाइट होती है उस पर आप यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे तो आपके मोबाइल में एक OTP आएगा, और जैसे आप OTP डालोगे इसके बाद से आप सक्सेसफुल लॉगिन हो जाओगे। जब तक आप OTP नहीं डालोगे तो ये जेन्युइन वेबसाइट में आप सक्सेसफुल लॉगिन हो ही नहीं सकते। और जो फेक वेबसाइट होती है इस पर आप यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे तो आपको यहाँ पर OTP भी नहीं आएगा और डायरेक्ट आप लॉगिन हो जाओगे। और मैंने भी वैसे ही किया था, और फिर मैंने देखा कि यार OTP तो आया ही नहीं है, कहीं ये जो वेबसाइट है कोई फेक तो नहीं है। तो इस वजह से मैंने जो आगे की प्रोसेस है कम्प्लीटली नहीं किया है। और मैं सुबह उठ के देखता हूँ, जब मैंने YONO SBI में लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, मैं अपना MPIN डालता हूँ तो MPIN रॉन्ग बताता है। इसके बाद से मैं सोचा चलो कुछ गड़बड़ हो गई। फिर मैंने यूजर नेम और पासवर्ड डाला तो मैं अपने इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि मैंने जो उस फेक वेबसाइट में अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाला था वो उन लोगों को मेरा पासवर्ड पता चल गया है, और वो लोगों ने मेरा पासवर्ड भी चेंज कर दिया है। तो दोस्तों, ये एक कहानी थी जो सबको बतानी थी कि अभी फ्रॉड लोगों को KYC से रिलेटेड आए दिन मैसेज आते रहते हैं और उस पर एक लिंक देते हैं, और जैसे आप लिंक पर क्लिक करते हो तो रिडायरेक्ट होकर आपको यूजर नेम और पासवर्ड आप डालते हो तो आपका पासवर्ड उनको पता चल जाता है। और बेसिकली ये जो वेबसाइट है जेन्युइन नहीं है, इन लोगों की ही बनाई हुई रहती है फेक वेबसाइट, और बैकएंड में सब इनका ही मायाजाल बिछाया हुआ रहता है जहाँ पर यूजर विजिटर फंस जाता है। तो आपको इस प्रकार से अगर मैसेज आता है तो उसको इग्नोर करना है और रिपोर्ट करना है इस वेबसाइट को। और अगर आपको KYC कंप्लीट करना है तो आपको अपनी होम ब्रांच जाना है, वहाँ से कर लेना है।